हेलो गाइस, आई एम निक्की और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल IQ स्टूडेंट्स पॉइंट। गाइस, जैसा कि आपको पता है कि हमारे यूट्यूब चैनल IQ स्टूडेंट्स पॉइंट पर आपको आपके कोर्सेज के अकॉर्डिंग क्लासेस प्रोवाइड की जा रही हैं। सभी स्टूडेंट्स को पता है कि BCom की हो, BCom ऑनर्स हो, प्रोग्राम हो, ऑनर्स, सभी की क्लासेस आप लोगों को आपके सब्जेक्ट्स वाइज प्रोवाइड की जा रही हैं। सो आज की जो हमारी वीडियो है वो सेकेंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर के BA प्रोग्राम के पॉलिटिकल साइंस के बेस पर है। और BA पॉलिटिकल साइंस के जो बच्चे क्लासेस ले रहे हैं उनको पता है कि यूनिट 1 उनकी कंप्लीट है, यूनिट 2 में फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट है एंड आज की वीडियो में हम सेकेंड टॉपिक देखेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूँ स्टूडेंट्स, ये जो आपका टॉपिक है बहुत 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 वास्ट टॉपिक है, और मतलब ये समझ लीजिए कि जितना मैं आपको इसमें पढ़ाऊंगी उससे डबल तो ऑनर्स वाले बच्चे ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो आप लोगों के मैं सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाऊंगी क्योंकि आप लोगों को इतना नहीं पढ़ना होता। सो आज की वीडियो में आप जैसा थंबनेल पे देख रहे हो, मैंने ये उस पर पार्ट 1 लिख रखा है। उस पर पार्ट 1 इसलिए लिखा है क्योंकि इसको हम पार्ट में बांट कर पढ़ेंगे, अदरवाइज़ आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। सो पार्ट 1 में हम शीत युद्ध के चरण, युद्ध और पहला शीत युद्ध पढ़ेंगे। दूसरे पार्ट में देतांत का उत्थान और पतन पढ़ेंगे, और तीसरे पार्ट में दूसरा शीत युद्ध, USSR का दबना और शीत युद्ध का अंत पढ़ेंगे, ठीक है। सो आज की वीडियो में हम शीत युद्ध के चरण, युद्ध और पहला शीत युद्ध स्टार्ट करते हैं। अगेन मैं रिपीट कर दूँ, अगर कोई क्वेश्चन, डाउट हो या सजेशन हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स या टेलीग्राम चैनल पर पूछ लीजिएगा, अदरवाइज़ ये आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाओ कि मैम टॉपिक तो इतना बड़ा है, आपने इतना सा पढ़ा दिया, इस वजह से मैंने आपको बोल दिया है। सो लेट्स स्टार्ट। शीत युद्ध का अर्थ देखो, शीत युद्ध के अर्थ के लिए बहुत सारे फिलोसोफर्स ने अपनी अपनी राय दी है, लेकिन मैं आपको कुछ पढ़ाऊंगी जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाए जाने हैं। सबसे पहले आते हैं वाल्टर लिपमैन। वाल्टर लिपमैन बोलते हैं कि शीत युद्ध का प्रयोग इन्होंने मतलब किया है कि तब उसका अभिप्राय दो शक्ति गुटों के मध्य ऐसी युद्ध जैसी स्थिति से था जो कि युद्ध की स्थिति वास्तव में बिल्कुल भी नहीं थी। यहाँ पर बात बिल्कुल सीधी जाहिर हो रही है कि शीत युद्ध जो है उसको इन्होंने ऐसे बोला है कि जो रियलिटी में युद्ध नहीं है, ये वो वाला युद्ध है, ठीक है, कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है। अब इनके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, आपको सिलेबस में मतलब जैसे कि आप जब आंसर लिखो तो उसमें लिखने की इतनी ज़्यादा ज़रूरी नहीं है इनके बारे में, लेकिन जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। सो वाल्टर लिपमैन एक अमेरिकी लेखक, संवाददाता और राजनीतिक टिप्पणीकार थे जो शीत युद्ध की अवधारणा को पेश करने वाले पहले व्यक्तियों में से एक व्यक्ति थे, जो आधुनिक मनोवैज्ञानिक अर्थ में स्टीरियोटाइप शब्द का निर्माण करते थे और अपने समाचार पत्र, कॉलम और कई पुस्तकों में मीडिया और लोकतंत्र की आलोचना भी करते थे, और विशेष रूप से उनकी जो 1922 की पुस्तक थी सार्वजनिक राय, उसमें लिपमैन काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशन के भी एक उल्लेखनीय लेखक माने जाते हैं, ठीक है। इनकी फ़ोटो मैंने यहाँ लगा दी है, आप इनको देख सकते हैं। उसके बाद बात आती है एलेक्जेंडर फ्लेमिंग। एलेक्जेंडर फ्लेमिंग बोलते हैं कि युद्ध स्थल में नहीं लड़ा जाता परंतु मानवों के मस्तिष्क में होता है। एक व्यक्ति अन्य के मस्तिष्क को नियंत्रित करने का प्रयास करता है। सीधा सीधा बोला जाए तो इन्होंने बोला है युद्ध जो है वो मैदान में नहीं लड़ा जा रहा है, ये इंसानों के दिमाग पर हावी हो चुका है और ये एक इंसान से बहुत सारे इंसानों के दिमाग पर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। ये जो शीत युद्ध बड़ा है, शीत युद्ध आया है, उसकी बात यहाँ पर हो रही है। इनके बारे में जानते हैं, ये पेनिसिलिन के आविष्कारक एलेक्जेंडर फ्लेमिंग स्कॉटलैंड के जीव वैज्ञानिक और औषधि निर्माता फार्मेलॉजिस्ट थे। उनके प्रसिद्ध पेनिसिलिन के आविष्कार के रूप में 1928 में सामने आई थी। उन्होंने जीवाणु विज्ञान, जो बैक्टीरियोलॉजिस्ट होते हैं वो, रोग प्रतीक्षा विज्ञान, इम्यूनोलॉजी और आपका रस चिकित्सा, कैमोथेरेपी जो होती है, उसके विषयों पर बहुत सारे शोध पत्र प्रकाशित भी किए हैं। उन्होंने 1923 में लिसोजाइम नामक एक एंजाइम की खोज भी की थी और पेनिसिलिन के आविष्कार के लिए उन्हें 1945 में संयुक्त रूप से चिकित्सा का नोबल सम्मान भी दिया गया था, ठीक है।
सो यहाँ पर आप लोगों को मैंने बता दिया है कि जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे वो कौन थे और उन्होंने क्या बोला था। उसके बाद आते हैं जॉन फॉस्टर ड्यूलिस। जॉन फॉस्टर ड्यूलिस जो है वो बोलते हैं कि ये 50 के दशक के और कई वर्षों तक अमेरिका के विदेश मंत्री रहे थे और ये प्रमुख रूप से सोवियत विरोधी व्यक्ति भी थे। इन्होंने बोला कि श्वेत युद्ध नैतिक मूल्यों के लिए नैतिक धर्म युद्ध था। ठीक है, नॉर्मल सी बात इन्होंने बोल के अपनी किस्सा कहानी ख़त्म कर दी। उसके बाद आते हैं लुईस हॉल। इनके बारे में जानना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, विदेश मंत्री थे अमेरिका के, बस इतना ही याद रख लो स्टूडेंट्स, काफ़ी रहेगा। उसके बाद है आपके लुईस हॉल। लुईस हॉल जो हैं इन्होंने मतलब एक तरीके से इनकी पुस्तक थी द कोल्ड वॉर एज हिस्ट्री, आगे उसमें क्या लिखा था वो मैं आपको भी बताती हूँ। ये जो थे न्यूयॉर्क में रहने वाले थे और ये अमेरिकन नेचुरलिस्ट थे, ऑथर थे, यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ऑफिशियल एंड प्रोफेसर ऑफ इंटरनेशनल स्टडी इन जिनेविया। ठीक है, नॉर्मल सी बात इन्होंने अपने बारे में यहाँ पर बता दिया, मतलब इन्होंने नहीं बताया, मैंने बताया। उसके बाद इनकी जो बुक थी द कोल्ड वॉर एज हिस्ट्री 1967 में इन्होंने लिखी थी और इन्होंने इसमें लिखा था कि शीत युद्ध दो गुटों के बीच तीव्र तनाव की स्थिति थी और ये सशस्त्र युद्ध से भी अधिक भयंकर था। ठीक है, सो आप ये बोलोगे मैम इतनी मोटी बुक में यही बात लिखी थी, ऐसी कोई बात नहीं है। जो मेन बात इन्होंने लिखी थी ना इसमें, जिस पर फोकस था, जो बार बार इसके अंदर आ रही थी बात, वो यही थी कि शीत युद्ध दो गुटों के बीच में एक ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ती हुई तनाव की स्थिति थी और ये सशस्त्र युद्ध से भी ज़्यादा भयंकर था, मतलब वेपन्स यूज़ करने वाले युद्ध से भी, जिसमें बम और आपकी सबमरीन्स और बहुत सारी चीज़ें यूज़ करी गई, उससे भी ज़्यादा भयानक था। इन्होंने ये वाली बात इस बुक में लिखी है और बहुत जगह बताई भी है। इन्होंने ऐसा क्यों बोला है, क्योंकि स्टूडेंट देखो मेनली क्या बात है, ये विचारधाराओं का युद्ध था और विचारधाराओं के युद्ध में इन्होंने ये बोला कि विचारधारा, अब आप ये मान लो कि आपका और मेरा बहुत 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 ज़्यादा अच्छा रिलेशन है, एक टीचर का स्टूडेंट का बहुत अच्छा रिलेशन होता है, बहुत सारे बच्चे मुझसे बहुत फ्रेंडली होके बहुत अच्छे से बात करते हैं, तो मान लो कि उन बच्चों के दिमाग में मेरे लिए या मेरे दिमाग में उन बच्चों के लिए मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हो गई कि भाई नहीं ये बच्चा मेरी बुराई करता है, और वो बच्चा बोलेगा कि ये टीचर तो मेरी और बच्चों के सामने बुराई करती है, तो यहाँ पर ये विचारधारा हमारी बन गई, भले से हमने ऐसा किया ना हो, ना मैंने किया ना उस बच्चे ने किया, तो यहाँ पर ये विचारधारा बन गई, उस बेस पर हमने एक दूसरे से दुश्मनी पाल ली कि ये स्टूडेंट बिल्कुल ख़राब है, उस स्टूडेंट ने बोला निक्की मैम बिल्कुल ख़राब है, मेरी पसंदीदा टीचर है ही नहीं, अच्छा नहीं पढ़ाती, ये नहीं है वो नहीं है, फिर आप मेरी आलोचनाएँ करना, आप मुझे क्रिटिसाइज़ करना स्टार्ट कर दोगे। तो वैसे ही सेम यहाँ पर रखा गया कि दो विचारधाराओं का युद्ध इतना भयानक माना जाता है, वेपन से भी ज़्यादा भयानक, जिसमें मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हो जाती है, उसमें हथियार बारूद कुछ काम नहीं आते हैं, सिर्फ दिमागी लड़ाई ही काफ़ी रहती है। इन्होंने इस बुक में ये वाली बात को बताना अच्छा समझा है। ठीक है, उसके बाद हमें यहाँ पर लास्ट में जो एक वो निकलती है कि शीत युद्ध की परिभाषा मेनली क्या निकलती है, देखो इन्होंने यहाँ पर ही बताया गया है कि शांतिकालीन शस्त्रविहीन युद्ध था। हम जो है शीत युद्ध की परिभाषा इस प्रकार कर सकते हैं, सब देखने के बाद एक नॉर्मल स्टूडेंट, आप लोगों को ये लिखनी बहुत ज़रूरी है स्टूडेंट्स कि शांतिकालीन शस्त्रविहीन युद्ध था। जाहिर है बिल्कुल शांति से लड़ा जाता था, कोई वेपन यूज़ नहीं होता था, कुछ भी यूज़ नहीं हुआ उसमें, फिर भी ये युद्ध था। अब आप ये सोचने वाली बात है कि यार ये युद्ध भी था और इसमें कोई वेपन भी यूज़ नहीं हुआ, ये कैसे हो सकता है? तो जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया है पीछे मेरा और मेरे स्टूडेंट का, वो वाला एग्जांपल माइंड में रखना ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, उसके साथ साथ एक मूल रूप से ये जो वैचारिक एक तरीके से नफरत और एक पॉलिटिकल मतलब एक तरीके से अविश्वास का भी एक युद्ध था कि हमें तुम्हें पॉलिटिकल बेस पर, राजनीतिक बेस पर भी भरोसा नहीं कर सकते हैं। अमेरिका बोलता था कि भाई हम तुम पर राजनीतिक बेस पर भरोसा नहीं करेंगे, और यहाँ पर यूएसएसआर भी यही बोलता था कि नहीं नहीं हम तुम पर बिल्कुल मतलब एक तरीके से वैचारिक रूप से नफरत करते हैं, हम तुमसे बिल्कुल भी बातचीत नहीं करेंगे। अब आप लोगों को याद होगा लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि जापान और जर्मनी को हराने के बाद, दोनों ने मिलकर हराया था अमेरिका और यूएसएसआर ने, उसके बावजूद भी इन दोनों में लड़ाई पैदा हो गई और एकदम ये सब क्या हो गया कुछ पता नहीं लगा, जिसने शीत युद्ध का उदय किया था। ठीक है, उसके बाद शीत युद्ध जो है ये आपको ध्यान में रखना चाहिए कि ये 1945 से 1991 तक चला था। ये मैंने इसलिए ही यहाँ पर ये फ़ोटो भी लगाई है, इस पर लिखा हुआ भी है स्टूडेंट्स। ठीक है, उसके साथ इसमें ये भी बताया जाता है कि
जैसे मतलब जो ये विचारधाराओं का युद्ध चल रहा था, इसमें पॉलिटिकल ही नहीं, सोशल भी, मेंटली भी, कैसा भी, दोनों जो अमेरिका और यूएसएसआर था वो एक दूसरे पर बिल्कुल भरोसा नहीं करता था। वो कहता था ना भाई ना, मुझे तुम पे भरोसा नहीं करना, ये कहता था तुम पे भरोसा करके मुझे अपने देश को बर्बाद नहीं करना। तो ये विचारधारा जो चल रही थी ये एक दूसरे के अंदर बहुत ज़्यादा लड़ाई पैदा कर रही थी और एक दूसरे को बहुत बुरे तरीके से हराने की कोशिश में लगी हुई थी। उसके बाद यहाँ पर बात आती है आपकी कि शीत युद्ध का आरंभ क्यों हुआ था। देखो, अब शीत युद्ध के आरंभ की बात यहाँ आती है, तो उससे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि शीत युद्ध के समय में संसार में दो प्रतिद्वंद गुट थे, ये बताया आपको, यूएसएसआर और अमेरिका थी, और साथ में दोनों गुट ने कभी भी किसी भी बम का या किसी भी गन का, टैंक का, सबमरीन का यूज़ कभी भी नहीं किया। शीत युद्ध में इन चीज़ों का इस्तेमाल किया ही नहीं गया था, विचारधाराओं की लड़ाई में इस चीज़ का इस्तेमाल नहीं किया जाता। उसके साथ साथ वो एक दूसरे के विरुद्ध जाकर, मतलब एक दूसरे के विरुद्ध जाकर बातें ज़रूर करते थे कि हाँ ठीक है, यूएसएसआर मेरे बारे में ये सोच रहा है, अमेरिका और फिर सोवियत संघ बोलता था कि अमेरिका मेरे बारे में ये सब सोच रहा है। उसके साथ साथ ये जो शक्ति गुट था वो अमेरिका के हाथों में था, जिसे अमेरिकी गुट या आंगल अमेरिकी गुट या फिर पश्चिमी गुट कहा जाता था। ये याद रखिएगा, मैं इसके नाम अगेन रिपीट कर देती हूँ, क्या क्या था, अमेरिकी गुट कहा जाता था, या आंगल अमेरिकी गुट, या पश्चिमी गुट, या लोकतांत्रिक गुट, ये सारे नाम से अमेरिका को जाना जाता था। और सोवियत संघ में साम्यवादी लेखकों ने साम्राज्यवादी गुट बोला, पश्चिमी गुट कहकर इसकी निंदा भी करी कि भाई ये पश्चिमी गुट है, ये है वगैरह वगैरह, ये सब बातें। और दूसरे गुट के नेता सोवियत संघ थे, उन्होंने अपना कोई भी नाम नहीं रखा, सोवियत संघ के नेता सोवियत संघ ही रहा, ठीक है। उन लोगों ने अपने नाम इतने सारे दिए, एक बार मैं और रिपीट कर देती हूँ, लोकतांत्रिक गुट था, पश्चिमी गुट था, साम्राज्यवादी गुट था, अमेरिकी गुट था, आंगल अमेरिकी गुट था, ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका गुट था। तो उन्होंने, सोवियत संघ वालों ने सिर्फ अपना सोवियत संघ रखा। उसके साथ साथ सोवियत संघ को भी फिर भी लोगों ने बहुत नाम देने शुरू कर दिए थे कि पूर्वी गुट या फिर सोवियत गुट या समाजवादी गुट, लोग ये कहने लगते थे। लेकिन सोवियत संघ जो था, जो मेन जो विचारधारा की लड़ाई लड़ते थे, मेन आपके नेता जो थे सारे, वो सोवियत संघ ही बोलते थे। उसके साथ साथ पश्चिमी विद्वान और जो राजनेता थे, इन्होंने साम्यवादी गुट या फिर अधुनायक वादी गुट की कहकर इसकी आलोचना की थी कि भैया ये आधुनिकवादी गुट है, ये है वो है, ये सारे करके इन्होंने इसकी आलोचना करनी शुरू कर दी थी। इनका जो मतलब मेन पर्पस था वो ये था कि दोनों गुटों को अमेरिका और सोवियत गुट ना कहना, भाई अलग अलग नाम से बोलो। ये देखो मतलब बचपना देखो इन लोगों में, लोग मर रहे हैं, बर्बाद हो गए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कुछ स्टार्ट नहीं हो पाया था और इन लोगों के बचपने ख़त्म नहीं हो रहे थे, एक दूसरे की आलोचनाएँ कर रहे थे सोवियत गुट और अमेरिका गुट कह के, वाह ठीक है। तो उसके साथ आगे ये हुआ कि शीत युद्ध से सभी देशों के जो रिलेशंस थे वो एक तरीके से डर डर के बन रहे थे। यूएसएसआर अपनी साइड बहुत सारे देशों को ले चुका था और बाकी अमेरिका अपनी साइड ले चुका था। आपको याद होगा इंडिया ने गुट निरपेक्षता की नीति अपनाई थी कि भाई मैं किसी गुट में शामिल नहीं हूँ और ना मुझे कोई नुकसान पहुँचाएगा, तो यहाँ पर ये वाली बात आ रही है, ठीक है। और ये याद रखिएगा, जब तक अमेरिका आज़ाद नहीं हुआ, 1947 में हुआ था, अभी ये 1945 की बात ही चल रही है। तो उस टाइम भी हमारे जो कुछ नेता थे, समझदार नेता, नेहरू जी थे, अम्बेडकर जी थे, बहुत सारे सब ने यही मिलकर फैसला किया था कि हम गुट निरपेक्षता की नीति नहीं अपनाएंगे, बिल्कुल भी नहीं अपनाएंगे उसके, सॉरी गुट निरपेक्षता की नीति ही अपनाएंगे, सॉरी स्टूडेंट्स, आप लोग ये माइंड मत कीजिएगा। उसके साथ ये था कि शीत युद्ध जो था उसने एक ऐसी स्थिति को उभार दिया था कि यूएसएसआर या फिर अमेरिका का बस नहीं चल रहा था कि वो स्पेस में जाकर भी वहाँ पे एलियंस को या प्लैनेट्स को भी अपनी साइड ले लें कि भाई आप भी हमारे साथ रहो, आप भी वो सब हमारे साथ बैठो, हमारे साथ लड़ो, हमारी विचारधाराओं में हमारा साथ दो, ठीक है। उसके साथ साथ अमेरिका निरंतर लगातार यूएसएसआर को नीचा दिखाने के लिए उसके लिए कुछ ना कुछ प्लानिंग करता रहा, और उधर सोवियत संघ भी प्लानिंग ये चलती रही उनकी कि उसको कैसे नीचा दिखाना है, कैसे हम उनको छोटा कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। अब यहाँ खुद सोचने वाली बात है स्टूडेंट, आपकी जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई थी उस टाइम से अमेरिका कितना पावरफुल था, सेकंड वर्ल्ड वॉर के टाइम तो इतना पावरफुल हो गया था कि उसने अपना बदला लिया था जापान से। जब आपको याद होगा पर्ल हार्बर पे, मैंने पीछे बताया था अमेरिका के आइलैंड पे पर्ल हार्बर पे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जापान ने बम गिरा दिए थे, अमेरिका ने उसका बदला लिया था जापान से हिरोशिमा नागासाकी पे बम फेंक कर 1945 में, ठीक है।
उसके साथ साथ आगे ये बताया जाता है कि अब मतलब शीत युद्ध का आरंभ क्यों हुआ, मेन क्वेश्चन ये उठता है। देखो शीत युद्ध के आरंभ में बहुत बहुत सारे कारण बताए जाते हैं, कारण भी मैं आपको अभी पढ़ाऊंगी, वो पढ़ना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है। तो इतने सारे कारण माने जाते हैं, और आप लोगों को याद होगा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में और सेकंड वर्ल्ड वॉर में सबसे जो मेन कारण था वो पत्र पत्रिकाओं वाला था और यूएन वाला था। वैसे ही इसमें भी कुछ कारण ऐसे माने जाते हैं जो ज़िंदगी भर तक लोगों को याद रहेंगे कि हाँ जी इसकी वजह से ही शीत युद्ध उत्पन्न हुआ था। और आगे ये बताया जाता है कि दोनों पक्षों की तरफ से एक दूसरे पर आरोप लगाए जाते थे बराबर, इधर से जाके उधर बताता था, उधर से जाके उधर बताता था, और लड़ाई होती थी। इसमें भी पत्र पत्रिकाओं का सबसे मेन रोल ये था कि वो लोग न्यूज़पेपर में अपनी मर्जी से कुछ भी छाप देते थे। अब ये पिक्चर जो आप यहाँ देख रहे हो अमेरिका और USSR वाली, इसको जब प्रिंट किया गया था तो यहाँ पे आप ये देख रहे हो ना, ये इनको और इनको एक तरफ, जब इनके पास न्यूज़पेपर गया तो इनको ख़राब करके बताया गया, इनके पास गया तो इनको ख़राब करके बताया गया। दोनों में ये हो गया कि भाई ये कंट्री वाले ही तो करवा रहे हैं, अपने पास से थोड़ी पत्रकार ने किया है, तो ये वाली बात इनमें चलती थी। और यहाँ पे मैंने जो ये फ़ोटो लगाई है स्टूडेंट, ये दरार वाली, अमेरिका और सोवियत संघ में दरार इसी वजह से पैदा हुई थी कि एक तो सबसे बड़ा कारण पत्र पत्रिकाओं वाला था, ठीक है, वो मैंने आपको ऐसे ही बता दिया। आप लिखना चाहो तो बिल्कुल लिखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई इशू नहीं है, बहुत आराम से लिखो। उसके बाद इसमें ये बताया जाता है कि तीन प्रमुख विचारधाराएं बढ़ गई थी, परंपरावादी थे, पुनर्विचारक थे और उत्तर पुनर्विचारक थे। परंपरावादी क्या थे, ट्रेडिशनलिस्ट थे, और पुनर्विचारक रिविजनिस्ट थे, और उत्तर पुनर्विचारक पोस्ट रिविजनिस्ट थे। परंपरावादी क्या मेनली क्या करते थे, वो सोवियत संघ को बुरा बोलते थे, उनमें जो कुछ मेन थे हर्बर्ट फियस और आर्थर श्लेसिंगर जूनियर थे, विलियम मैकलीन थे, ठीक है। उसके साथ साथ आगे मैंने और फिलोसोफर के नाम नहीं लिखे हैं, लिखना इतना ज़रूरी भी नहीं है। तो ये जो ट्रेडिशनल तौर पर ये जो सारे फिलोसोफर्स थे ना, ये क्या करते थे, ये सोवियत संघ को बुरा बोलते थे, ठीक है। उसके साथ साथ आगे जो आपके रिविजनिस्ट हैं वो भी अमेरिका के थे, और वो एक तरीके से ये बोलते थे कि सारी गलती सोवियत संघ की है। और जो पोस्ट रिविजनिस्ट थे वो कहते थे भाई हम तुम्हारे साथ है ही नहीं, हम बिल्कुल अलग हैं। मतलब एक तरीके से वो जो रिविजनिस्ट थे उस चीज़ उनके कहीं भी चीज़ को आगे बढ़ाने की कोशिश करते थे, लेकिन अगर उनको सही लगती थी तो मतलब एक तरीके से थोड़ा आलसी टाइप भी थे और थोड़ा काम करने वाले भी थे। तो इसमें ये बताया गया, पोस्ट रिविजनिस्ट ने ये बोला कि इस युद्ध में, शीत युद्ध में दोनों ही गुटों की गलती है। जाहिर है, एग्जाम्पल मैं अगेन वही रिपीट कर रही हूँ, आप मेरे बारे में कुछ सोच रहे हो, मैं आपके बारे में सोच रही हूँ, गलती दोनों की है। अगर आप मेरे बारे में सोचो, मैं ना सोचूं, मैं बिल्कुल आपसे वही बिहेव रखूंगी, नहीं मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स हैं, मैं ऐसी रहूंगी हमेशा, चाहे वो मेरे साथ कुछ भी करें, या फिर मैं आप लोगों के बारे में सोचूं, आप सोचो कि नहीं हमारी प्यारी मैम है, हमें पढ़ा रही हैं, बहुत प्यार करती हैं, तो आप ये गलती यहां पर हम दोनों की ही आ रही है फिलहाल। तो यहां पर इन्होंने यही बोला कि अमेरिका और USSR दोनों की गलती है, आप लोगों का एक किसी एक का कोई कसूर नहीं है। अगर वो उसके बारे में फालतू ना सोचे और वो उसके बारे में फालतू ना सोचे तो शीत युद्ध का आरंभ हो ही नहीं सकता है कभी भी। उसके साथ साथ आगे बहुत सारी चीज़ें चलती गई, और मतलब ये भी एक लुंदेस्ताद नाम के फिलोसोफर थे, विचारक थे, उन्होंने तीन तरीके के प्रश्न उठाए थे कि शीत युद्ध के लिए कौन उत्तरदायी था, सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद कुछ वर्षों तक कौन सबसे ज़्यादा इस चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए सामने आया, और एक इसका मोटिव क्या था। देखो आप लोगों को याद होगा जब मैंने फर्स्ट यूनिट में यथार्थवाद पढ़ाया था तो उनसे आदर्शवादियों ने यही सवाल किया था कि भाई युद्ध के कारण क्या थे, हुआ ही क्यों था वो। तो इसके सवाल जवाब पारंपरिक और पुनर्विचारक जो थे लेखक, रिविजनिस्ट और ट्रेडिशनल, उन्होंने शीत युद्ध के लिए कौन उत्तरदायी था, उन लोगों ने बोला अपना अपना। उसने बोला भाई सोवियत संघ था, उसने बोला अमेरिका था। उसके बाद रिविजनिस्ट, पोस्ट रिविजनिस्ट ने बोला दोनों थे। फिर उसके बाद ये आया कि सेकंड वर्ल्ड वॉर के कुछ टाइम बाद तक, आप लोगों को याद होगा जब मैंने लास्ट टाइम पढ़ाया था आपको इससे पहले वाले टॉपिक में, कि जापान जर्मनी को हराने के लिए दोनों देश सामने आए और उसके बाद दोनों में एकदम लड़ाई हो गई थी। तो उन्होंने बोला कि उसके बाद कौन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस रोल में रहा कि भाई शीत युद्ध को बढ़ावा दिया जाए। तो ट्रेडिशनलिस्ट और रिविजनिस्ट दोनों ने बोला कि दोनों ही थे। उसने
बोला वो था, उसने बोला वो था, और मतलब उन्होंने अलग अलग इल्ज़ाम लगाया। और पोस्ट रिविजनिस्ट ने बोला कि दोनों ही थे, अगर अमेरिका कुछ सोच रहा था तो सोवियत संघ को नहीं सोचना चाहिए था, हो सकता था कि अगर सोवियत संघ ना सोचता तो अमेरिका अपनी हरकतें करना बंद कर देता, या फिर सोवियत संघ कुछ सोच रहा था तो अमेरिका को चुप लगानी चाहिए थी। उन्होंने ये बोला, इन्होंने तब भी यही बोला कि दोनों की गलती थी। और इन्होंने बोला कि सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे पहला मोटिव क्या रहा था, तो ट्रेडिशनलिस्ट ने बोला कि भाई यूएसएसआर वाले चाहते थे कि ऐसा हो जाए और वो अमेरिका को हड़प ले। अमेरिका के लिए उन्होंने बोला रिविजनिस्ट ने कि वो यूएसएसआर को हड़पना चाहता था। और पोस्ट रिविजनिस्ट ने ये बोला कि दोनों ही अपनी अपनी ताकतों को दिखाना चाहते थे, अपनी अपनी पावर्स को दिखाना चाहते थे। उस बेस पर इन्होंने विचारधारा की लड़ाई में भी बहुत बहुत सारे नुकसान करवा दिए। उसके बाद बात आती है शीत युद्ध के कारणों की। देखो, शीत युद्ध के कारण सबसे पहला मैंने अभी आपको आरंभ क्यों हुआ था उसमें बता दिया, सबसे पहला कारण कि पत्र पत्रिकाओं का इतना इंपॉर्टेंट रोल था कि जाहिर है यार वो जो दिखाएंगे। अभी भी आप देख लो कि कहीं भी दंगे होते हैं, कुछ भी होता है, लड़ाई होती है, रेप होता है, कुछ भी होता है, पत्र पत्रिकाएँ जब तक गवर्नमेंट नहीं बोलती है वो नहीं छापते हैं, बिल्कुल भी नहीं छापते हैं। ये बात बिल्कुल साफ है कि वो अपनी मर्ज़ी से कुछ भी प्रिंट नहीं करते हैं, सारे जो गवर्नमेंट बोलती है वो वही चीज़ को प्रिंट करते हैं, ठीक है। उसके साथ क्या बताया जाता है कि उस टाइम पे उन्होंने इस चीज़ को छापा, और इस चीज़ को छापने का नुकसान ये हुआ कि सोवियत संघ ने कुछ सोचा, अमेरिका ने कुछ सोचा। आगे और भी कारण आते हैं कि इन्होंने मतलब ये बोला कि कुछ लेखकों ने युद्ध और शांति संधियों को भी देखा कि भैया जो संधियाँ हो रही थी, गुप्त संधियाँ हो रही थी, गुप्त संधियाँ तो खैर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम से होती थी, और जाहिर है शीत युद्ध आ गया तो वो क्यों नहीं रुकेंगी, तब भी होंगी, उसको भी बोला। लेकिन ये लिखना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो आगे मैं आपको भी पढ़ा रही हूँ वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके साथ क्या क्या रखी गई, मैं आपको तीन पढ़ा रही हूँ, एक और दो मैं आपको बता चुकी हूँ, पत्रकार वाली और संधियों वाली, वो आप लिखना चाहो तो लिख लो, अदरवाइज कोई इशू नहीं है, आप मत लिखो। सबसे पहली है संघर्षों की अनिवार्यता। इसमें क्या था कि इंटरनेशनल रिलेशन में जो राज्यों की एक सामने मतलब संघर्ष बन गया था, राज्यों स्टूडेंट्स उस टाइम में कंट्रीज को स्टेट बोला जाता था, राज्य बोला जाता था, ठीक है। तो आप माइंड मत करना, ये भी मत बोलना कि यार मैम ने ये राज्य बोल दिया था तो ये क्या बात होती है। तो उस टाइम में जब इस चीज़ को बोला जाता था तो उस टाइम में विवाद इतना ज़्यादा उत्पन्न नहीं हुआ था, इतना ज़्यादा उत्पन्न नहीं हुआ था, बस ये चलता था कि ठीक है, मतलब एक तरीके से स्थायी रूप से संघर्ष नहीं बन गया था ये, जो शीत युद्ध के रूप में आता। तो उन्होंने ये बोला कि सामान्य राज्य समन्वय नहीं है, रिप्रेजेंटेटिव हैं, और बहुत सारे अवसरों पर जो राष्ट्र हैं वो ये निसंदेह एक दूसरे के सहयोग करते हैं, लेकिन जब वो आपस में सहयोग करते हैं तो उनका मेन पर्पस शक्तिशाली खतरों को मिलकर सामना करना होता था। ये वाली बात भी मैं आपको अभी पीछे बता चुकी हूँ बहुत अच्छे से। उसके साथ इन लोगों का जो सबसे पहला संघर्षों की अनिवार्यता में है, सबसे पहला पॉइंट वही था कि जापान और जर्मनी को हराने का प्लान इन दोनों का था, उसके बावजूद भी इन लोगों ने क्या करा, उनको हराने के बाद आपस में ही लड़ाई कर ली, आपस में दो विचारधारा बन गई, जबकि उस टाइम इन लोगों की दोस्ती इतनी ज़्यादा अच्छी हो गई थी, इन दोनों ने मिलकर जापान और जर्मनी को हराया था, जर्मनी से नाजी को हटाया था और हिटलर को, और उसके बाद जापान से यूएसएसआर और अमेरिका ने दोनों ने अपना बदला लिया था, क्योंकि जापान ने यूएसएसआर पर भी अपना बम फेंका था। ये बात मैं आपको पीछे पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है, इससे पहले वाली टॉपिक में। उसके साथ साथ दूसरे टॉपिक में क्या बताया जाता है, शून्यता की अवधारणा। शून्यता की अवधारणा में ये बताया गया कि शीत युद्ध की उत्पत्ति ज़रूरी थी, मतलब ये देखा जा रहा था कि भाई होगा ही होगा, सबको उस टाइम में ये लग रहा था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अब कुछ नहीं होगा, लेकिन जब शीत युद्ध उत्पन्न हो गया था तो सबको लग रहा था कि थर्ड वर्ल्ड वॉर भी होगा 100% उसी टाइम में होगा, ठीक है। उसके साथ साथ वहाँ पर जो मैंने अभी आपको पीछे लुईस हॉल पढ़ाए थे, उन्होंने ये बोला कि शांति स्थापना करने के स्थान पर जर्मन शक्ति को यूरोप से पूरी तरह से समाप्त कर देने का सोच चुका था, और शीत युद्ध का कारण सबसे बड़ा ये था। और ये भी बोला जाता है कि इसी तरीके से शून्य एक सप्ताह तक नहीं चल सकता था। और लास्ट आपका जो कारण है वो ये है कि वैचारिक तत्व, आइडियोलॉजिकल फैक्टर, सेम वही वाली बात यहाँ आ गई है, आइडियोलॉजिकल फैक्टर ने सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई। आप मेरे बारे में कुछ सोच रहे हो, मैं आपके बारे में कुछ सोच रही हूँ, भले से कुछ कर नहीं रहे हैं, आप सोच रहे हो कि मैम को कैसे हमें पीछे करना है, कैसे मना करना है, मैं आपके बारे में सोच रही हूँ स्टूडेंट को कैसे हटाना है करना है, लेकिन हम कुछ कर नहीं रहे तो दिमाग में तो है ना, तो वो वाली बात यहाँ पर विचारधारा के रूप में सबसे ज़्यादा सामने आई। और जब 1917 में रूसी क्रांति हुई थी, रूसी क्रांति को बोल्शेविक क्रांति के नाम से जाना जाता है,
तो उसमें ये मेन बात देखी गई कि अमेरिका और यूएसएसआर ने उस चीज़ का फ़ायदा उठाने की पूरी पूरी कोशिश करी थी कि भाई इस चीज़ का फ़ायदा उठाओ और जो भी है हम जीत जाएंगे या जो भी है हम जीत जाएंगे। तो इस चीज़ को यहाँ पे देखा जाता है, जब विचारधारा बन गई थी तो उस चीज़ को कैसे रोक सकते हैं। विचारधारा बन गई है, दिमाग पर किसी का कंट्रोल नहीं है, वो खुद ही इंसान कंट्रोल करता है। तो यहाँ पर जो आपके मेन शीत युद्ध के चरण युद्ध और पहला शीत युद्ध है, मैंने कंप्लीट करा दिया है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्लास में हम देतांत का उत्थान और पतन पढ़ेंगे, और आप लोग कंफ्यूज ना हो इस वजह से मैंने थंबनेल पर भी पार्ट वन लिख दिया है, तो आप उसको देखकर भी अपनी क्लास अटेंड कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो आज की क्लास में कोई क्वेश्चन हो, डाउट हो या सजेशन हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स या हमारे टेलीग्राम चैनल पर पूछ सकते हैं। सो थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक ऑल।